हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। गाइस, मेरी एक्चुअली थोड़ी हो रही है तबीयत ख़राब। एक अभी आज मैं डॉक्टर पे गया था सुबह, तो ब्लॉग नहीं बना पाया, बट अब आ गया हूँ। थोड़ा तकलीफ ठीक हो गई है तो ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। रोहित वो है और नंदिनी पायल बाज़ार गई है मम्मी के साथ, क्योंकि यार रक्षाबंधन आज भी है और कल भी है, दो दिन का है। आज लगभग शाम से है तो हमारे भैया, बड़े भैया जो एक्सीडेंट हो गए थे, तो है नहीं, तो इस बार तो हमें रक्षाबंधन नहीं मनाना है। बस आज लग भी नहीं रहा रक्षाबंधन, की रक्षाबंधन है लग नहीं रहा ऐसा। तो चलिए, ये रोहित क्या कर रहा है? मंदिर का दूध पी लो, अभी ठीक हो जाएगी। अच्छा, मंदिर का दूध पीऊँगा मैं। तो गाइस, रोहित कह रहा है मंदिर का दूध पी लो, सारा जो भी आपका दर्द है सब ठीक हो जाएगा। चलिए पीते हैं दूध। है अभी इस हॉस्पिटल में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड यहाँ पे है कनॉट प्लेस में, सीपी में है, वहाँ गया था। ये देखो पर्चा देख रहे हो आप, तो इस यहाँ पे उन्होंने देख लिया। फिर भी कल उन्होंने 31 तारीख को भी बुलाया है सुबह 9 बजे, तो कल भी जाऊँगा। और वैसे भी डॉक्टर छुट्टी पे रहते हैं देवहार वगैरह पे, तो कहीं काफ़ी दवाइयाँ हैं, ऐसा दिन किसी के ना आए जो दवाई खाने पड़े। तो चलिए, रोज चला गया कंप्यूटर। आज मन भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बच्चे भी घर में नहीं है अभी। चलिए चलते हैं, अभी खाना वाना खाएंगे, उसके बाद सोना है और कल मॉर्निंग में जाना है हमें वहाँ पे। फिलहाल और कंप्यूटर ठीक हो गया, रोड ठीक हो गया, कंप्यूटर ठीक हो गया। पायल आ चुकी है बाज़ार से। क्या लाए पायल, दिखाना जरा, दिखाओ जरा क्या जगह पर लाए। कह रही पापा रक्षाबंधन कुछ ना कुछ दिला दो। अब देखो कपड़ा दिखा रही छतों पे, काफी लोग आ चुके हैं, काफी अच्छा लगता है। ये देखो, चलिए हम चलते हैं। मेरे बाबा जी अच्छा, बाबा जी तो मैंने मेहंदी लगाई। हां हां, ओ नंदनी तो सावन में मेहंदी लगवा के लाई। मम्मी वो कह रहा है वो राखी, ओ ये मेरा माता का मंदिर है, ये मेरा अलमारी है सब। ये सबसे पहले तो छोटे छोटे बच्चे के लिए, टाँ टाँ कौन सी राखी है? आजकल ऐसी राखियाँ आ गई देखो, और ये कितनी प्यारी लग रही है, पायल लाई है। और कुछ भी आई हमारी पायल देखिए मेहंदी लगा रही है, उधर भी रोहित की मम्मी भी लगा रही है, नंदिनी मम्मी के हाथों में लगा रही है मेहंदी। और मेरा हो गया गाइस जब सोने का टाइम, तबीयत ख़राब होती थी तब मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का, खुशी का वो जब, क्योंकि ऑपरेशन हुआ मेरा, तो कल हमें सुबह 9 बजे जाना है कनॉट प्लेस, इलाज करा के दोबारा आना है। और फिलहाल हमारी छुटकी देखिए, छुटकी कैसे बना रही है, ओ कितनी सुंदर। बेटे को लगाना आता है, तेरी सहेली आ गई नहीं आई? रात के बज चुके हैं 12:30 और हमारे बच्चों का होता है दिन, जब स्कूल के लिए जगाओ तो लोगों पापा थोड़ा और सोने दो सोने दो, मतलब ये करते हैं। अभी कल छुट्टी है, ठीक है बेटा, तो फिर टाइम से तो सोना चाहिए ना। नंदनी हमारी पायल तो काफ़ी शॉपिंग करके लाई है, क्या लाई पायल अपने लिए? ड्रेस लाई है क्या? ड्रेस लाई है, राखी भी लाई है, और कल भी, कल है राखी, ज़्यादातर कल ही मनाई जाएगी क्योंकि कुछ स्कूल आज खुले हुए थे, कुछ बंद थे। जो कल बंद, आज बंद थे वो कल खुलेंगे, और जो कल बंद थे वो आज बंद होंगे, जैसे कि मदर ग्लोबल पब्लिक स्कूल आज खुला था क्योंकि 7 बजे शाम को रक्षाबंधन शुरू हुआ था, बाल मंदिर भी खुला था। तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग के साथ फिर आपको मिलूंगा। अब सो रहा हूँ, थकावट हो रही है, दर्द सा हो रहा है, फिर मिलूंगा नेक्स्ट। मैं गया था सीपी, मैंने अपना इलाज कराया, वापसी आया, मैंने आपको वहाँ का व्यू कुछ नहीं दिखाया क्योंकि दर्द से मैं ज़्यादा परेशान था, तो इसलिए मुझे ब्लॉग नहीं सो आया। थोड़ा हमने ऑटो में बैठे वो ब्लॉग में दिखाया है, वहाँ उतरा, वहाँ से जल्दबाजी में गया वहाँ पे, वहाँ से दर्द से ज़्यादा दर्द था इसलिए मैंने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन कल दोबारा दिखाने
जाएंगे तब आपको ब्लॉग में जानकारी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर। शॉर्टकट रास्ता जगतपुर थाने से यहाँ से शॉर्टकट में जा रहे हैं। वैसे लंबा पड़ता हमको, उधर से घूम के आना पड़ता। ये थाने में आ गए हम, जगतपुर थाना है, क्वार्टर बने हुए हैं। देखो जगतपुर थाना है, देखो पूरे फ्लैट बाई फ्लैट बने हुए हैं पुलिस वालों के लिए रहने के लिए। तो मोटर लगी हुई है अंदर, बैठ गए भैया ऑटो में हॉस्पिटल के लिए। दवाई कराने अंकल चला रहे हैं, चलते जा रहे हैं नाले वाले रोड से। और हम फिलहाल गाइज हम राजघाट के राइट मुड़ गए हैं और आगे है अरुण जेटली स्टेडियम। पहले ये फिरोजशाह कोटला था और इसका नाम हो गया अरुण जेटली स्टेडियम। और इसके बाद आगे जाएंगे हम दिल्ली गेट से होते हुए सीधा हम जाएंगे सिविक सेंटर होते हुए कनॉट प्लेस। वहाँ पे है एक हॉस्पिटल है जहाँ मेरी सर्जरी होनी है। काफ़ी पुराना जख्म था, उसको ठीक होना है, पट्टी अट्टी करवाएँगे और उसके बाद हम वापसी आएँगे। तो चलिए हम चलते हैं। हम आ गए हैं दिल्ली गेट पर। अभी दिल्ली गेट पर है जी, अभी दिल्ली गेट है। देखिए गाइस कितना सजावट है, हर जगह हर चौराहे पे आपको पेड़ पौधे और अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं सरकार ने। देखो अशोक चक्र की तरह बना हुआ है। ये जीबी पंत हॉस्पिटल है, आगे जीबी पंत हॉस्पिटल, काफ़ी दूर दूर से मरीज आते हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो देखिए गाइस आगे है जीबी पंत हॉस्पिटल, काफ़ी पुराना है और काफ़ी बड़ा है ये जीबी पंत हॉस्पिटल। गैस्ट्रो सर्जरी होती है यहाँ पे, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर से, हर शहर से आते हैं। चलिए आगे का व्यू देखिए आप लोग। सीपी पहुंच गया, यहाँ से राइट लेंगे आगे से। गाइस सीपी पूरा, ये देखो सीपी सीपी फूल वगैरह लगा के हम लोग सीपी में। G20 का जो प्रोग्राम है, 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की पूरा बंद रहेगा गांधी मैदान। ये इमारत काफ़ी खूबसूरत है, ये अंग्रेजों ने तो बना रखा है। हाँ, ये अंग्रेजों ने तो पूरा वो करा है, शाही बना रखा था उन्होंने। है सीपी का सर्कल, वापसी में जाएंगे आगे हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं अपने आपको दिखाऊंगा, फिर करेंगे वापसी। वैसे ये
पुराना हॉस्पिटल पहुंच गए हैं भाई, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। ओटी पहुंच गए भाई, पुराने हॉस्पिटल पहुंच गए। देखते हैं कहाँ मिलते हैं डॉक्टर साहब, अंदर ही मिलेंगे। ये देखिए गाइस, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सरकारी, और फ्री दवाई होती है, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा, बहुत ज़रूरी है। मैं जा रहा हूँ पुरानी ओटी, देखते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आजकल दिल्ली में बहुत सुविधाएं हो गई हैं सरकारी, वो भी फ्री। अभी वेट कर रहे हैं हॉस्पिटल के, अभी तो बुलावा आएगा, अभी कब आएगा, बाहर वेट कर रहे हैं अभी। हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो अभी तो बैठे हुए हैं भैया, आराम कर रहे हैं यहाँ पर भाई, अभी तो बैठे हुए। हर्डिंग मेडिकल कॉलेज है और काफ़ी बड़ा है, वहीं पे आया हूँ मैं, जा रहे हैं अंदर। दोबारा वॉशरूम करने आया था यहाँ पे बाहर।